बेटा चंकी, देख खबर, ये जवान फिल्म कैसी है? अंकल राधे, जवान फिल्म अच्छी है, लेकिन आप इस उम्र में ये फिल्म देखकर क्या करोगे? अबे साले, तू जब पैदा भी नहीं हुआ था ना, तब से मैं शाहरुख खान को फॉलो कर रहा हूँ। चल छैया छैया डर फिल्म से साले। ठीक है आप बोल रहे हो तो जवान के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, लेकिन आप एकदम घटिया बात कर रहे हो। आपको फिल्म देखी नहीं तो नहीं चाहिए। अबे साले की देसी। इतना मजा आता है कि शाहरुख खान की बैक टू बैक एंट्री, ऐसा लगता है कि अलग अलग कैरेक्टर को मतलब दोबारा से आ रहा है, दोबारा से री एंट्री हो रही है, तो मतलब औसम है पहला। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है तो उसमें एक्शन जो है भरपूर चकाचक आउटस्टैंडिंग भरा हुआ है, और तीसरा जो है उसमें शाहरुख खान है, बात खत्म। और कहानी भी चुमेश्वरी। अब बात करते हैं थोड़ी उसके नेगेटिव्स की कि वो इतनी क्यों नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि सेकंडली फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कैरेक्टर्स बहुत हैं, पहला दूसरा उनका नाम याद रखने में बहुत मुश्किल होगा, मतलब कैरेक्टर्स हद से ज़्यादा हैं। मैं तो भूल गया था ये क्या है, इनमें से ये देखी थी वो देखा था, लड़कियां बहुत हैं उसमें। और सेकंडली उसमें मतलब टाइम नहीं दिया गया, ना सुनील ग्रोवर को इतना टाइम, ना दीपिका को स्क्रीन टाइम दिया गया, ना क्या, सारा फोकस शाहरुख खान पे था। मतलब किसी को भी इतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला है जितना शाहरुख को मिला है, और सबका कैरेक्टर को मतलब छोटा 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 रोल मिला है। और विजय सेतुपति जो विलन है, विलन को उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया जिस तरह का वो फर्जी का विलन बना था, जिस तरह में वो उसमें फर्जी में पुलिस वाला बना था, विक्रम ने विलन बना था, और बहुत सारे मतलब उसका एक कैरेक्टर है ना वो आउटस्टैंडिंग है जो मैंने उसको देखा है। लेकिन विजय सेतुपति को उस तरह से आखिर में जो कैमियो हुआ था, किसका कैमियो हुआ था वो आप फिल्म देखोगे आपको पता चल जाएगा, और किसका, ठीक है आपको पता चलेगा, बाबा की चौकी मतलब उसका हुआ था। ठीक है, तो शाहरुख का जो दो होते हैं उसमें बाप बेटा होता है, लेकिन जो एक होता है वो कैरेक्टर चेंज करता रहता है, वो कैसे करता है वो आप देखोगे पता चलेगा। फिल्म में मतलब टोटली एक्शन बेस्ड है, जिस तरह की तमिल फिल्में होती है ना, ये इटली की फिल्म है, और पीछे म्यूजिक जो है क्या है, क्या म्यूजिक है, मतलब गाने के लिरिक्स इतने मज़ेदार नहीं है, जब उसकी एंट्री होती है या उसका कुछ फाइटिंग सीन चल रहा होता है, जिस तरह के वो पंचेस मार रहा था उसके पीछे जो म्यूजिक चल रहा होता है वो मेन चीज़ है। कहानी को जिस तरह की है कि फौजी फौजी कहानी है, कुछ सोल्जर जवानों की कहानी है, तो इस तरह के दोनों कैरेक्टर होते हैं। और उसके बाद पब्लिक सर्विस मैसेजेस भी हैं, जिस तरह से इलेक्शन आ रही है उसके रिगार्डिंग मैसेजेस हैं, लोगों के रिगार्डिंग मैसेजेस हैं, और भी बहुत वुमन एम्पावरमेंट के बजते हैं ढोल वो वाले हैं बहुत सारे। और उसके अलावा जो नयनतारा है, नयनतारा को अच्छी उसके उसको ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला, और लव एंगल जो है ना बिल्कुल छोटा छोटा सा इतना सा दिखाया लव एंगल उसमें। शाहरुख ने कोशिश 100% की है, लेकिन आई थिंक 10 मिनट 15 मिनट भी ज़्यादा होंगे उस उसको चलते हैं। बाकी तो पूरी एक्शन मूवी है, तो मुझे लगता है आपको देखनी चाहिए। जवान से बहुत अच्छी है, पठान से बहुत अच्छी है। पठान फिल्म मैंने देखी है, उसमें थोड़ा मज़ा नहीं आया था। पठान फिल्म की सिंपल कहानी थी, वही इंडो पाक जैसे गदर आखिर में मैसेज दे दिया है, ऐसा नहीं होता वैसा, उस तरह से ये नहीं है। इस मूवी को तमिल डायरेक्टर ने बनाया है, एट्रिली ने, जिसने बिगल विगल बनाई है, क्या वो 100% देता है। और इसके इसकी स्क्रिप्ट शाहरुख के पास पहले गई थी, शाहरुख ने मना कर दिया, तो बोला था ये इंटरनेशनल लेवल की फिल्म नहीं है, इसको अच्छी बनाओ। फिर उसने दोबारा अच्छी बनाई, तो अभी प्रोड्यूसर भी उसकी बीवी है, रेड चिलीज है और गौरी खान है। आपको देखनी चाहिए फिल्म अगर आप SRK के फैन हो, नहीं हो तो तब भी देखनी चाहिए, हेटर्स को देखनी चाहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, वीडियो पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। शाहरुख ने बहुत ही मज़ेदार डांस किया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।